नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये हमारा टॉपिक चल रहा है आज, उसका हम पार्ट 6 देखेंगे। तो फटाफट क्विक बताइए मुझे कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा अभी तक। आपने मालवा का पठार पढ़ा है, मध्य भारत का पठार पढ़ा है, बुंदेलखंड पढ़ चुके हो आप, और रीवा पन्ना का पठार भी आपने पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ेंगे हम, आज नर्मदा सोन घाटी वाला पूरा एरिया हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करना, जैसे ही पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें। आपको लगभग 200 शब्दों में इसका आंसर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? कभी भी आ सकता है, 5 नंबर के लिए भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर के लिए भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को प्रैक्टिस 200 नंबर की करनी है इस लेक्चर को देखने के बाद। आज हम कुछ लोचे की बात करेंगे। लोचा मतलब ऐसा लोचा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, देखा तो किसी ने कोई सुधार किया नहीं, सुधार किया तो किसी ने उसको अपडेट नहीं किया। यानी कि आप एमपी में अभी तक जो भी पढ़ रहे थे ना, कुछ चीजें वो गलत पढ़ रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, ये देखिए आप नर्मदा सोन घाटी, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमारा मैप आज तक हम यही डिस्कस करते आ रहे थे। आप बोलोगे सर यहां पर आपने ब्लैक क्यों कर दिया आज? आज ब्लैक इसलिए कर दिया कि मुझे सपना आया था कि एमपी का मैप कुछ तो लोचा चल रहा है एमपी में, तो मतलब मजाक की बात है ये वैसे। तो आज हमारा जो नया क्षेत्रफल निकल के आया है वो 27.92 है। नर्मदा सोन घाटी का पूरा ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, यहां से यहां तक का है ये। इस मैप के अनुसार यहां पर कितना क्षेत्रफल है, 86,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 86,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 27.92% है। लेकिन यहां पर इस जगह पर जो ब्लैक है ना, यहां पर पहले लिखा था 26%, याद रखिएगा आप, कितना लिखा था 26%। तो सर आपने इसको क्यों गलत कर दिया, 27.92 क्यों लिख दिया आपने, ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको मालवा के पठार के क्षेत्रफल में बताया था कि ये मालवा का एक्चुअल क्षेत्रफल कितना है, 28.62, और उस टाइम पे मैंने आपको इसको निकाल के भी बताया था, याद आ रहा आपको? तो क्या आप इस नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल निकाल सकते हो उसी वे में? हाँ निकाल सकते हैं ना सर, कैसे? देखो आप क्या करना, 86,000 को यहां पर लिखना, ठीक है? इसके बाद आप क्या करोगे, पूरे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लिख दोगे, 308,252, और इंटू कितना कर दोगे, 100, हाँ या ना? इसे निकालते ना क्षेत्रफल, एक्चुअल में कितना आएगा, अभी कितना परसेंटेज आएगा? तो आप जब निकालोगे तो आपको ये 27.89 लगेगा, ठीक है? यहां पर 89 है, माफ कीजिएगा मुझे, 89, मतलब आप चाहो तो इसको अपडेट करके क्या लिख सकते हो, 27.90, 92 नहीं है वो, ठीक है? ये निकल कर आएगा आपका क्षेत्रफल एक्चुअल में, ये 99 रहेगा, तो हम इसको कंसिडर करके 27.90 लिख सकते हैं। बट 26% से तो ज्यादा ही है, 1% मतलब 2% के समथिंग ही ज्यादा आ रहा है, याद रखिए आप। तो ऐसा क्यों हो रहा था, आज इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे। देखो ये मैप जो है ना, ये यूनिवर्सल मैप है, लेकिन ये वाला मैप आपको अधिकतर बुकों में मिलता है। अब देखो आप गलती कहां पर करते हैं हमारे एमपी के लिखने जो राइटर होते हैं ना, महान राइटर, वो गलती कहां करते हैं? देखिए यहां पर मैप तो ये लगाएंगे उनकी बुक में, ये वाला वो, ठीक है? बाकी ये भी सही रहेगा, 26% भी लिखेंगे वो, ये भी मैंने किसी बुक में से लिया है, नाम नहीं बताऊंगा किसी भी बुक वालों का मैं यहां पर, ठीक है? फिर वो जब अंदर डालेंगे ना हेडिंग, तो हेडिंग में क्या लिखेंगे वो, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ऐसी हेडिंग डालेंगे और पूरा इसका वर्णन करेंगे विस्तार से। अब आप मेरे को बताइए सोन नदी कहां से निकलती है, एक मिनट आप ये वाला मैप देखिए कहां जा रहे हो, ये वाला मैप। तो इस मैप में आप देखो ये सोन नदी है, ये वाली, सॉरी, ये ऐसे ऐसे निकल के ये सोन नदी कहां पर जाती है, ये बिहार में जाती है और गंगा से मिल जाती है। यहीं से एक नर्मदा नदी निकलती है, ये अनूपपुर से निकलती है ना, अनूपपुर के कहां से, अमरकंटक की पहाड़ी से, तीन नदी निकलती है वहां से, एक जोहिला नदी भी निकलती है यहीं से। तो ये पूरा का पूरा ये सोन नदी इधर चली जाती है। अब आप ये वाला मैप देखिए एक बार फिर, ये वाला मैप देखो आप, ये यहां से इन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि अगर यहां से कहीं से नकल अपनी कौन सी सोन नदी निकल रही है तो वो ऐसी जाएगी इधर, तो फिर ये कहां से सोन घाटी का क्षेत्र आ जाएगा? आपने यहां से तो ब्रेक कर दिया इसको, इतने इतने एरिया को,
और फिर आप बोल रहे हो कि हम नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पढ़ेंगे, भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता आप ही बताइए मुझे, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि भाई यार तुम्हें पता नहीं क्या, स्टूडेंट को पता चल जाता है आजकल तो 86,000 वर्ग किलोमीटर तुम क्षेत्रफल बता रहे हो उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, और परसेंटेज में कितना लिख रहे हो 26%। अगर कभी एग्जाम में आ गया ये तो आपका आंसर तो गलत है ना, आपका एक नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ के जाओगे। अभी कॉपी पेस्ट का खेल है पूरा का पूरा एमपी में, एक बुक ने क्या छापा, भाई इतना दिमाग तो लगा लो, लगा सकता ना कोई भी इतना दिमाग तो। दूसरी बात ये वाला, जब तुम इसको नर्मदा घाटी बेसिन मैप ये लगा रहे हो तो फिर अपने आगे जाके लिख क्यों रहे हो कि हम नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पढ़ रहे हैं, भाई एक्चुअल में तो भौगोलिक में नर्मदा सोन घाटी पढ़ना पड़ेगा तो हमें यहां तक लाना पड़ेगा ना, सोन घाटी का क्षेत्र ये वाला है, इतना आगे तक तो नहीं आ सकता है यार सोन घाटी का क्षेत्र, ये पता है आपको, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए आप ये वाली चीज, नर्मदा यहां से स्टार्ट होती है, कहां से, अनूपपुर के पास से, एक मिनट ये वाला मैप देखिए आप कहां से होती है, ये वहां, ये यहां से, ठीक। तो ये तो आप नर्मदा क्षेत्र बोल दोगे इसको, फिर यहां से इतना मैप इतना क्यों बता रहे हो आप, पूरा का पूरा बताओ ना एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ये पूरा का पूरा मैप देखिए इधर, जैसा अपने पास है ना ये वाला, ये वाला, तो ये वाला एक्चुअल मैप है नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी का, दो पार्ट है इसका, सोन घाटी क्षेत्र मतलब ये वाला एरिया जो है ये सोन घाटी का क्षेत्र हो गया, और यहां से ये वाला पूरा एरिया ये है नर्मदा वाला एरिया हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो ये सबसे बड़ा लोचा है, और आपके पास भी अगर कोई सी बुक है या किसी राइटर के नंबर है तो उनको बता दो आप कि सर प्लीज इसको आप है ना सही कर लीजिए, बहुत बड़ा लोचा है। चलिए तो इन शॉर्ट हमको क्या ये क्या चल रहा है मतलब, और हमको क्या पढ़ना है, तो आपके माइंड में भी अभी एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मतलब कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन भाई आपके सामने है क्या है, प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको कि ऐसा ही है, ठीक है। अभी आप चाहो तो कोई सी बुक उठा लेना है ना, राइटर का एक का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुक कोई सी उठा लेना, सब में यही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताने से पहले वेरीफाई किया है। हाँ एक बुक है जिसमें थोड़ा सा सुधार है इस मामले में, उसका भी नाम नहीं लूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए क्योंकि गलती तो उनने भी की है आगे थोड़ी सी है ना, मैप सुधार के रख दिया आगे कर दिया, परसेंटेज निकालना वो भी भूल गए हैं, ठीक। तो ये कॉपी पेस्ट का बड़ा खेल होता है, और कॉपी पेस्ट करने वाला ध्यान नहीं रखता कि भाई है ना गलत है तो चलने दो जो चल रहा हो। तो इन शॉर्ट ये जो 7 मिनट आपके लिए मैंने पेश किए हैं है ना, आपके हिसाब से अगर वेस्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप है ना अपने, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने स्वविवेक से निर्णय लेना आप है ना, क्योंकि यहाँ तो भाई ऐसे ही चल रहा है ना, अंधेर नगरी चल रही है, कोई कुछ भी लिख रहा है। चलिए तो बात करें अगर इस नर्मदा सोन घाटी की हम, तो इसका जो अक्षांश विस्तार है वो 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट तक है, और अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात करूं तो ये आपका 74 डिग्री 5 मिनट से आपको कहां तक मिलेगा, 81 डिग्री 30 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार मिलेगा। क्षेत्रफल तो हमने देख लिया था यहां पर कितना है, 86,000 है, जो कि पूरे एमपी का कितना है, वापिस अगेन हमने यहां पर जीरो लगाना भूल गए, जो कि पूरे एमपी का 27.90 है। एग्जैक्ट डेटा कितना है, 27.89999 ऐसे ना, तो मैंने इन शॉर्ट 90 कर दिया इसको, ठीक याद रखना आप, ठीक है। प्रमुख जिले की अगर मैं बात करूं तो अनूपपुर मिलेगा आपको, इसमें मंडला मिलेगा, डिंडोरी मिलेगा, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन भी मिलेगा आपको, खंडवा मिलेगा, खरगोन मिलेगा, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, और सीहोर की एक तहसील मिलेगी बुधनी वाली, ठीक है। सीहोर को हमने इससे पहले देखा था कि मालवा में आता है सीहोर, लेकिन जो बुधनी वाला पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, वो आता है आपका किस में, नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में। अगर यहाँ की मैं बात करूँ वर्षा की, तो यहाँ पर 57 से लेकर 142 तक रेन होती है, यानी कि इसके पूर्वी भाग है ना, जो पूर्वी भाग है ना, यानी कि किधर वाला पूर्वी भाग, इधर देखिए आप यहाँ पर ये वाला भाग पूर्वी भाग, इसमें अच्छी खासी वर्षा होती है, और क्यों वर्षा होती है इस हमने पहले देख चुके थे इसको, ठीक। ओ सॉरी बहुत कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, हाँ सॉरी है ना, तो पश्चिमी भाग में यहाँ पर क्या है, एक मिनट कुछ हो रहा है यार गड़बड़ आज तो, चलिए एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट पेन, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, सॉरी यार। चलिए तो पश्चिमी भाग यहाँ का जो है वो अधिक गर्म है, पश्चिमी भाग से मतलब इधर अलीराजपुर वाला एरिया आपका, बड़वानी वाला एरिया है, ये थोड़ा गर्म है, और इसके कंपेरिजन में जो पूर्वी भाग है वो ठंडा रहता है, और वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है। अगर मैं इस पूरी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर तापमान है 40 डिग्री तक रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में जो औसत तापमान है वो 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है, या देखना औसत तापमान इस क्षेत्र का कम रहेगा, स्पेशली पूर्वी क्षेत्रों का तो थोड़ा कम ही रहता है इस पूरी घाटी में, ठीक। इसके बाद अगर
जिले की बात करें, देखिए हमने कहाँ से देखा था, ये अनूपपुर यहाँ से निकलती थी, ये डिंडोरी देखा था हमने, ये मंडला देखा था, ठीक है, ये नरसिंहपुर जबलपुर होते हुए हम होशंगाबाद आए थे, इधर हरदा देखा था, थोड़ा सा खंडवा खरगोन बड़वानी धार और ये अलीराजपुर। तो ये पूरा का पूरा एरिया नर्मदा सोन घाटी वाला ही एरिया है ये, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी वाला। अगर मैं इसे नर्मदा बेसिन बोलूंगा तो यहां से मुझे काटना पड़ेगा, मतलब सोन घाटी, अगर मैं इसमें सोन घाटी को इंक्लूड कर रहा हूं तो मुझे मैप कुछ इस प्रकार वाला मैप मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो एक्चुअल में रहेगा वो नर्मदा सोन घाटी रहेगी, यही मैं आपको पिछली स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो आप बता सकते हो भौगोलिक स्थिति, तो यहां पर देखिए ये भौगोलिक स्थिति बता सकते हो आपकी, इसके उत्तर में क्या है, ये मालवा का पठार है, इसके उत्तर में इधर रीवा पन्ना का पठार भी है, और इस साइड क्या जाएगा, ये सतपुड़ा मेघल पर्वत श्रेणी आ जाएगी, इधर अरावली रेंज और अपना गुजरात का और प्लस राजस्थान का, सॉरी गुजरात का ये और महाराष्ट्र का एरिया आएगा, क्योंकि अलीराजपुर के पास से यहाँ पे गुजरात है और नीचे ये महाराष्ट्र वाला एरिया रहेगा इतना, तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया जाएगा इतने वाला, इसके नीचे सतपुड़ा मेघल श्रेणी है, इधर बघेलखंड का पठार है, तो आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके दो भाग है, एक भाग कौन सा, पश्चिम में, ये मैं बता चुका हूं आपको, इधर देखिए जो पश्चिम वाला भाग है इसका मतलब, तो ये तो नर्मदा नदी वाला भाग है, हमने डिस्कस कर लिया था इसको, जो कि थोड़ा लंबा भी है, ज्यादा लंबाई है इसकी और चौड़ा भी ज्यादा है, ठीक है। और पूर्व में जो भाग है इसका वो कौन सा है, सोन घाटी वाला भाग है, आपको बता चुका हूं मैं कैसे सोन नदी ऊपर से निकल कर जाती है, तो ये ऊपर वाला भाग है वो सोन नदी या सोन घाटी वाला क्षेत्र है, जो कि लंबा तो कम लंबा है और संकरा ज्यादा है थोड़ा सा, है ना, नेरो वाला एरिया है पूरा का पूरा, किसके कंपैरिजन में, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसके बाद में आप यहां पर देखिए सोन घाटी थोड़ी संकरी है, तो हमने देख चुके हैं, और इसके उत्तर पश्चिम में, मतलब सोन घाटी के आप उत्तर और पश्चिम में आप देखोगे, तो मैंने कल बताया था आपको यहां पर कौन सा, केमूर पर्वत है, केमूर पर्वत का कगार मिलेगा आपको। अब बताइए केमूर पर्वत का कगार क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, नदी होती है, नदी के ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कगार बोलते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति में ही अगला है कि यह सर्वाधिक नीचा भाग है, एमपी का सबसे नीचा, सर्वाधिक नीचा भाग है कौन सा, ये नर्मदा सोन घाटी वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ये पॉइंट पता ही है कि यहाँ की सभी जो चौड़ाई है वो समान नहीं है, चौड़ाई समान से मतलब ये है कि इधर का इसका पश्चिम वाला एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, आप जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा नेरो होता जाएगा। सिंपल सी बात होती है, नदी जहां से निकलती है, कोई सी भी नदी अगर निकल रही है तो वो नेरो रहती है, फिर आगे आगे जा जाके उसका बेसिन जो है वो फैलता जाता है, स्टार्टिंग में तो वो क्या रहेगी, नेरो ही रहेगी, ठीक है। अगर मैं इस क्षेत्र की औसत एवरेज हाइट की बात करूं तो वो 300 मिलेगा, कहीं कहीं किसी बुक में 300 से 450 मीटर भी है, लेकिन एक बार क्या है, व्यापम में पूछ चुका है कि नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है, और उनका सही जवाब था 300, तो हमको अब तो बिल्कुल 300 ही छापना है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि उन्होंने 300 सही माना था इसको, ठीक है। प्रमुख नदियां की बात करूं तो यहां पर नर्मदा नदी तो है ही सही, सोन नदी है, यहां पर ताप्ती नदी भी है, ठीक है। ये ताप्ती नदी एक्चुअल में क्या है, ये तो इसका हल्का सा पार्ट लास्ट में टच होता है, पता होना चाहिए आपको, जब आप जाओगे लास्ट में, जब ये गुजरात में प्रवेश करेगी उस वाले एरिया में, वहां पर आपको मिलना, ये क्या मिलेगी, वहां पर ताप्ती नदी का भी जुड़ जाता थोड़ा सा इसमें, ठीक है। इसके अलावा तवा है, तवा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये तो पता ही है आपको, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी तो तवा ही है, और तवा के बाद यहाँ पर जोहिला, तो ये प्रमुख नदियां हैं इस नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र की, ठीक है। अगर इसके बाद की जाए तो यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से, तो पता है आपको, जबलपुर में आपको दो मिलेंगे, एक भेड़ाघाट भी मिलेगा और धुआंधार जलप्रपात, है ना, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात। एक्चुअल में भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात के ऊपर एमपीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जबलपुर के प्रमुख जलप्रपातों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा आपको महेश्वर के पास में सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेगा, ये भी ठीक है, याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर प्रमुख उपज की बात करूं तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सोन नदी वाले पूर्वी क्षेत्रों में देखोगे, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पूर्वी क्षेत्रों में, यानी बुंदेलखंड का पूर्वी क्षेत्र मतलब सोन नदी वाली घाटी का क्षेत्र, वहां पर चावल की प्रमुख फसल है। याद रखना, पूर्व में एमपी के, पूरा का पूरा एमपी देखोगे आप, तो पूर्व वाले जिले जितने भी हैं आपके, सब देख लो आप, सीधी सिंगरौली देख लो आप, अनूपपुर देख लो आप, बालाघाट इधर नीचे आओगे तो बालाघाट मिलेगा आपको। तो ये सारे का सारा एरिया जो है वो चावल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, मतलब चावल बहुत ज्यादा प्रमुख उत्पादन चावल का होता है। और नर्मदा सोन घाटी को क्या कहा जाता है, राज्य के अन्न की पेटी भी कहा जाता है। अन्न की पेटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, पानी बहुत ज्यादा है,
नर्मदा नदी रहती है पूरी की पूरी, आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी का जितना भी आसपास का ये जो पूरा एरिया है, तो सिंपल सी बात है यार, इतना इतना कवर करेगा, नहरों से सिंचाई होती इधर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उत्पादन ज़्यादा होता है। किसका? गेहूं का भी उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसको राज्य की अन्न की बेटी, ठीक है, कहा जाता है। ये प्रीलिम्स फैक्ट भी होते हैं एक प्रकार से। प्रीलिम्स फैक्ट कैसे होते हैं कि भाई राज्य के अन्न की पेटी किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रमुख खनिज की बात करो तो चूना पत्थर आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर वाले एरिया में, कटनी के बीच में जो एरिया है उसको चूना पत्थर का एरिया है पूरा का पूरा। संगमरमर आपको जबलपुर में मिल जाएगा, ठीक है, संगमरमर की मूर्तियां जो आती है आपकी जबलपुर से आती है अधिकतर। मैग्नीज भी मिलेगा आपको कौन से वाले एरिया में, पूर्वी एरिया में। कोयला की खदानें भी आपको मिल जाएंगी सोनघाटी वाले क्षेत्र में। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिट्टी, तो यहाँ पर काली और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है गहरी काली मिट्टी, ठीक है। तो अगर आप बात करूं यहां पर मैं तो नर्मदा जो घाटी है इसमें जो वन की बात करूं तो 25% नर्मदा घाटी में है और सोन घाटी में 40-50% जो भूमि है वो वन के अंतर्गत आती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सोन घाटी में वन का जो क्षेत्र है वो ज्यादा है ना, वनों का जो आवरण है जगह पर वो 40-50% है। इसका औसत अगर आता है तो पूरा 30% भूभाग पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है पूरी की पूरी वैली में। वैली मतलब पूरी नर्मदा सोनघाटी की जगहों पर, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा वन किधर है, सोनघाटी वाले में, नर्मदा घाटी में कम है। और दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे तो ये बोल सकते हैं कि यार 30% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उद्योग धंधों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सीमेंट उद्योग भी अच्छा खासा मात्रा में है यहाँ पर, और रंग बनाने का उद्योग भी मिलेंगे आपको जबलपुर से। आप धीरे धीरे इधर आते जाओगे, किधर पूर्व सॉरी आप पश्चिम की ओर आओगे तो आपको रंग बनाने के यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे मिलेंगे। कांच बनाने का उद्योग आपको जबलपुर वाले एरिया में मिल जाएगा। चीनी मिट्टी भी वहाँ पर, चीनी मिट्टी के उद्योग भी है। और उत्खनन उद्योग तो पूरा का पूरा इस वैली में ही है। उत्खनन मतलब इस एरिया से बालू रेत निकाली जाती है। बालू रेत आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पर यूज होती है, आपके घर बनाने में बालू रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की लगभग 60-70% जो बालू रेत आती है वो नर्मदा सोनघाटी वाले एरिया से ही आती है, ठीक है। तो नर्मदा में ही बालू रेत का उत्खनन होता है जो कि यहाँ का लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एक प्रकार का रोजगार वाला ही जॉब है ये भी उन लोगों के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमने डिस्कशन किया था किसका, नर्मदा सोन घाटी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं आज के लेक्चर में। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपको कैसे पढ़ना है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके पास जो बुक है हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है, उसका डेटा भी गलत हो सकता है। तो आपको अपनी बुक में ये सारी चीज़ें अपडेट करना है। और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को।